Hello everyone, hope you all doing well. I am Anju Malik और आज हम लोग करने वाले हैं क्यूबिज्म. क्यूबिज्म के बारे में सभी जानकारी मैं आपको पूरी कोशिश करूँगी देने की, और अगर डाउट होता है कोई भी आप लोगों को तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, जो कि फर्दर हम सारे डाउट्स क्लियर करते चलेंगे. ओके, सो गाइज लेट्स गेट स्टार्टेड. 1907 में शुरू होने वाला ये आर्ट मोमेंट, जिसे हम क्यूबिज्म के नाम से जानते हैं, 100 साल से भी ज़्यादा होने के बावजूद अपनी लोकप्रियता एज इट इज़ बनाए हुए है. जो इसका चार्म है वो आज भी कायम है. आज भी लोग क्यूबिज्म को बहुत ही दिल लगाकर और बहुत ही एक्साइटेड होकर जानना चाहते हैं और पढ़ते हैं. और अभी भी आप ये लगाइए कि 100 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन आज भी लोग इस स्टाइल में काम करते हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट काम करते हैं. क्यूबिज्म की जो सबसे पहली पेंटिंग मानी जाती है वो है लेस डिमोइसेल्स द एविग्नन. ओके, इसको मैं स्पेल भी कर देती हूँ, LES लेस DEMOISELLES एंड उसके बाद है डी देन AVIGNON. ओके, तो ये जो पेंटिंग है ये पहली पेंटिंग मानी जाती है. और गाइज सबसे ज़्यादा जो क्यूबिज्म के जो आर्टिस्ट हैं आप लोग सभी जानते होंगे, पैब्लो पिकासो, जो बहुत फेमस आर्टिस्ट हैं, और इनकी वजह से ही क्यूबिज्म को आज तक लोग जानते हैं. इस आर्ट मूवमेंट को जो क्यूबिज्म नाम दिया, इस शैली को जो क्यूबिज्म नाम दिया है वो लुई बॉक्सी ने दिया है. और इस आर्ट मूवमेंट को जो सबसे ज़्यादा प्रमोट किया है, सबसे ज़्यादा आगे बढ़ाने का, लोकप्रिय बनाने का जो काम किया है, वो पैब्लो पिकासो और जॉर्ज ब्राक ने किया है. ये दो मेन आर्टिस्ट हैं जो इस आर्ट मूवमेंट में बहुत ज़्यादा अहम हैं. आज जो हम मॉडर्न आर्ट के बारे में पढ़ते हैं तो मॉडर्न आर्ट को एक्चुअली मॉडर्न आर्ट बनाने वाला क्यूबिज्म आर्ट मूवमेंट है, जो इसका एक महत्व जो है वो क्यूबिज्म की वजह से है. ये जो आर्ट मूवमेंट है इसमें ज्योमेट्रिक शेप्स जो हैं उनको यूज़ किया गया है. अब आप सोच रहे होंगे कि ज्योमेट्रिक शेप्स को कैसे, आप लोगों ने आई नो काम देखा होगा क्यूबिज्म का, तो इसको थोड़ा सा हम इस पे ध्यान देते हैं कि ज्योमेट्रिक शेप्स को कैसे उन्होंने अपने काम में समझा. मतलब अगर वो कोई लेडी फिगर या कोई फिगर बना रहे हैं तो उसको ज्योमेट्रिक शेप्स में कैसे ढाला, उस चीज़ को थोड़ा सा हम देखते हैं यहाँ पर. इन लोगों का जो आर्ट था वो ज्योमेट्रिक शेप्स को उस आर्ट में अपने काम में डालने की वजह से ये पूरा एक एब्स्ट्रैक्शन की तरफ काम जो है चला गया था. जो आर्ट का स्टाइल है वो एब्स्ट्रैक्शन की तरफ चला गया था. मतलब जब आप कोई पेंटिंग देखते हैं, फिगर देखते हैं, तो आपको उसे देखकर महसूस हो जाएगा कि ये फिगर है, ये लेडी फिगर है, या कोई कुछ और चीज़ है, या स्टिल लाइफ है, वो पता चल जाएगा. लेकिन जो एक एक्चुअल फिगर होता है उससे वो कहीं दूर था, रियलिस्टिक नहीं था वो काम, मतलब रियलिज्म से दूर था. मगर आपको एहसास हो जाएगा, आभास हो जाएगा कि ये जो फिगर है वो किसका है. वो सारा ज्योमेट्रिक जो शेप्स हैं उनको यूज़ करके यूज़ किया गया है. वो लोग क्या करते थे, जो आर्ट है उसमें कोई भी वो चीज़ जो बना रहे हैं वो सिर्फ उसे देखते नहीं थे, एक तरीके से महसूस करते थे कि अगर इनको ब्लॉक्स में तोड़ा जाए, किसी भी एक चीज़ को ब्लॉक्स में तोड़ा जाए तो वो कैसी दिख सकती है. तो वो उस चीज़ का भी अध्ययन करते थे. सिर्फ ये नहीं कि उन्होंने एक किसी फिगर को देखा, उसकी लंबाई देखी, चौड़ाई देखी, कितना किस में बनना है वो चीज़ देखी, नहीं ऐसा नहीं था. वो प्रॉपर स्टडी किया करते थे कि अगर ये फिगर है तो ये अगर ज्योमेट्रिक शेप में इसको तोड़ा जाए तो किस तरीके से जुड़ेगा, किस तरीके से बनेगा. और आप नेचर में भी, जब आप नेचर बनाते हैं, आप ध्यान से देखते हैं, आप शेडिंग करना सीखते हैं, तो आपको ब्लॉक स्टडी भी सिखाया जाता है. वो ब्लॉक स्टडी का क्या मतलब है कि जो नेचर है उसमें भी ब्लॉक्स नज़र आते हैं आपको. जब आपको ये घना पेड़ देखते हैं
तो उस घने पेड़ को जब आप दूर से देखेंगे तो आपको ब्लॉक्स में चीज़ें नज़र आनी शुरू हो जाएंगी। जब आप ध्यान से देखेंगे कि कहाँ पे शेड पड़ रहा है तो वो कितना ब्लॉक है, कौन से शेड, कौन सी तरफ लाइट पड़ रही है, वो कौन सा ब्लॉक है, कितना बड़ा ब्लॉक है, तो वो जो ब्लॉक्स हैं उसमें चीज़ें देखनी उन लोगों ने शुरू की थी, जो कि आगे आने वाले टाइम के लिए, मॉडर्न आर्ट के लिए एक बहुत ही, मैं कहती हूँ, अहम चीज़ साबित हुई है। दूसरी एक और चीज़ है कि जब हम कोई आर्ट वर्क करते हैं तो उसकी लंबाई और चौड़ाई के अलावा इन लोगों ने क्या और चीज़ इसमें डालने की कोशिश की गई कि उसका जो वॉल्यूम है, जो मोटाई है उस काम की, यानी कि जो थ्री डायमेंशनल जो एक फैक्ट होता है उसको भी डालने की कोशिश की है इन लोगों ने अपने आर्ट वर्क में। जैसे कि मैंने इस स्लाइड्स में एक पेंटिंग डाली है जो कि पाब्लो पिकासो की है। उसका टाइटल है गर्ल विद अ मैंडोलिन, और जो कि 1910 में उन्होंने बनाई थी। तो उसमें आप बखूबी देख सकते हैं, स्लाइड को आप रोक कर, वीडियो को रोक कर, उसमें आप बखूबी देख सकते हैं कि किस तरीके से एक लेडी फिगर आपको महसूस हो रहा है कि वो एक लेडी फिगर है और उसने जो म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट है उसको पकड़ा हुआ है, लेकिन प्रॉपर नहीं है, वो ब्लॉक्स में है। तो वो कितनी खूबसूरती से उन्होंने पूरे जो ब्लॉक हैं उनको तोड़ तोड़ कर, एक एक बॉडी के फिगर को तोड़ कर उसे ब्लॉक में कन्वर्ट करके जो पेंट किया है वो बहुत ही उम्दा है। अब हम इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि असल में इसकी शुरुआत हुई कैसे। कोई भी जब आर्ट मूवमेंट शुरू होता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ एक कहानी होती है, एक वजह होती है कि वो क्यों स्टार्ट हुआ, तो उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। मॉडर्न आर्ट जब शुरू हुआ उसमें जो इम्प्रेशनिज़्म है उसका बहुत बड़ा हाथ था पोस्ट इम्प्रेशनिज़्म और फोविज़्म को जन्म देने में, जहाँ कलाकार जो हैं अपनी जो पारंपरिक शैली थी काम करने की उसे छोड़कर नए नए एक्सपेरिमेंट जो है अपना रहे थे, ट्राई कर रहे थे, काम करने के नए नए तरीके तलाश रहे थे। उसी बीच में जो फ्रेंच पेंटर थे, उन्हें आप सिर्फ जो आर्टिस्ट थे फ्रेंच आर्टिस्ट जॉर्ज बराक, वो सिर्फ पेंटर ही नहीं थे, पेंटर होने के साथ साथ वो प्रिंट मेकर स्कल्प्टर भी थे। तो उन्होंने भी जो फोविज्म है, उन्होंने फोविज्म में अपनी जो पॉलीक्रोमिक, उनकी जो पॉलीक्रोमिक पेंटिंग्स हैं वो बहुत प्रभावित मतलब किया फोविज्म को, जिसमें उन्होंने लैंडस्केप और सीस्केप वगैरह बनाए हैं। 1907 में जब जो बराक थे वो स्पेनिश आर्टिस्ट पैब्लो पिकासो, जैसे कि आप जानते हैं कि वो सिर्फ एक आर्टिस्ट ही नहीं थे, मतलब सिर्फ एक पेंटर नहीं थे, जो पेंटर होने के साथ साथ वो स्कल्प्टर, प्रिंट मेकर और डिज़ाइनर भी थे पैब्लो पिकासो, उनसे उनकी मुलाकात हुई। उस वक्त में जब इन लोगों की मुलाकात हुई तो उस वक्त में जो पैब्लो पिकासो हैं वो अफ्रीकन मास्क पे और अफ्रीकन कल्चर पे, जो अफ्रीकन जो जंगलों में रहते थे लोग मास्क बनाते थे, जो कबीलों का जो एक कल्चर होता है उसको, उस पर रिसर्च कर रहे थे, उस पर अपना काम कर रहे थे जिस टाइम जॉर्ज बराक उनसे मिले। उसके बाद इन दोनों ही आर्टिस्ट ने काम करना शुरू किया और अपने अपने स्टाइल को धीरे धीरे चेंज कर शुरू किया, और उसी के साथ साथ जो क्यूबिज्म है उसका जन्म हुआ। जब एक आर्ट मूवमेंट शुरू होता है तो उसके साथ साथ और भी उससे इंस्पायर होकर और भी स्टाइल पनपने लगते हैं। बिल्कुल उसी तरह जब क्यूबिज्म स्टार्ट हुआ तो उसके साथ साथ और भी कुछ आर्ट स्टाइल थे जिन्होंने इससे प्रेरणा ली और वो आगे बढ़े, जैसे कि फ्यूचरिज्म। फ्यूचरिज्म ने जो क्यूबिज्म का कॉम्पोजिशन का स्टाइल था उससे बहुत इंस्पायर होकर एक नया स्टाइल, एक नया जॉनर जो है क्रिएट किया, आगे बढ़ाया। उसी तरह से जो सरियलिस्ट आर्टिस्ट थे
उन्होंने जो इसकी कोलाज पद्धति थी, कोलाज स्टाइल था, उससे वो लोग बहुत इंस्पायर हुए, क्योंकि कोलाज पद्धति में ये लोग जो टेक्सचर बनाते थे या जो टेक्सचर लगाते थे किसी भी एक चीज़ का या फैब्रिक का, तो उसमें आप देखकर पता नहीं लगा सकते कि कौन सा जो टेक्सचर है वो इन्होंने बनाया है, पेंट किया है, और कौन सा इन्होंने एज इट इज़ कोई टुकड़ा लेकर कपड़े का या कुछ और मटेरियल चिपका दिया है। तो वो एक सरियलिज्म वाली जो फीलिंग थी कि वो आ जाती थी, तो उससे बहुत प्रभावित हो गए इन कलाकारों ने ये चीज़ को लिया। उसी तरह से बनी हुई चीज़ों को अपने कला में यूज़ करना, अपने आर्ट में यूज़ करने करने का जो एक आइडिया था, उसको जो दादाइज़्म था उसमें जो आर्टिस्ट उन्होंने अपनाया, उन्होंने बहुत इंस्पायर हुए इस चीज़ से कि एक जो बनी हुई चीज़ है ऑलरेडी, उसको हम अपने आर्ट वर्क में एज़ इट इज़ यूज़ कर सकते हैं, तो उससे दादाइज़्म प्रभावित हुआ। और इसी के बाद जो एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट हैं, जो एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिस्ट हैं, वो मूवमेंट भी इसी के बाद शुरू हो गया था। सो अब हम बात करेंगे कि जो क्यूबिज्म है इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं मोटे मोटे तौर पर, एनालिटिकल क्यूबिज्म और सिंथेटिक क्यूबिज्म। अब हम बात करेंगे कि एनालिटिकल क्यूबिज्म जो है उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि ये काम जो हुआ है वो एनालिटिकल है, और सिंथेटिक में क्या अंतर है, दोनों में क्या अंतर है, उसके बारे में हम थोड़ा सा विचार करेंगे। सो गाइस, वीडियो आगे ले जाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली जो भी वीडियोस हैं वो आप लोगों तक आराम से पहुंच सकें। चैनल सब्सक्राइब करते टाइम आप बेल आइकन जब दबाएंगे तो उसमें ऑल पर क्लिक करें, ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। और सेकेंड थिंग इज़ कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, आपको लगे कि आपकी नॉलेज बढ़ी है, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें और लाइक ज़रूर कर दें। you know, हम वीडियो बनाते हैं, मेहनत करते हैं, PPT बनाते हैं, तो थोड़ा सा अगर आप लाइक कर देते हैं, आपका एक लाइक थोड़ा सा हमारा मोटिवेशन बढ़ा देता है। सो प्लीज़ इट्स माई रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। इस आर्ट मूवमेंट का जो सबसे पहला फेज़ माना जाता है कि जो ये मूवमेंट शुरू हुआ, वो सबसे पहला फेज़ जो है वो एनालिटिकल क्यूबिज्म जो है उसको माना जाता है। और इसका जो टाइम पीरियड था वो 1908 से लेकर 1912 तक रहा है। एनालिटिकल क्यूबिज्म जो है उसका टाइमिंग 1908 से लेकर 1912 तक चला है। ये एनालिटिकल क्यूबिज्म जो है इसमें आपको पेंटिंग्स में ब्लॉक्स नज़र आएंगे, एक जो फ्रैक्चर्ड फॉर्म है किसी भी चीज़ का वो आपको नज़र आएगा जब आप काम देखते हैं, और जो मल्टीपल जो पर्सपेक्टिव हैं उनसे उनको पहले बहुत ज़्यादा उनका स्टडी किया गया है कि अगर हम कोई सब्जेक्ट को लेकर काम कर रहे हैं या हम नेचर को लेकर काम कर रहे हैं। मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको अगर समझाने के लिए कहूँ कि मान लीजिए हम कोई ट्री बना रहे हैं, तो पहले उस ट्री को बहुत ऑब्ज़र्व किया गया है, उसको देखा गया है कि अगर इसको ब्लॉक्स में तोड़ा जाए तो वो कैसा लगेगा, वो हर एंगल से उसको देखा गया है कि हम इसको कैसे बेस्ट तरीके से किस क्यूब को या किस किस ब्लॉक को कहाँ पर हम लगाएं तो वो ज़्यादा परफेक्ट नज़र आएगा। इसमें जो कॉम्पोजिशंस हैं वो नॉर्मली जैसे कि ट्रेडिशनली चलती आ रही थी कि कैनवस पे ब्रश से अपने काम करना है, तो इसमें भी वही चीज़ की गई है, लेकिन जो कलर्स हैं कलर्स को बहुत ही डिफरेंट तरीके से एक अलग ही कलर टोन का इस्तेमाल किया गया है। इस आर्ट मूवमेंट में बहुत इस तरह के कलर अब से पहले जब आप आर्टवर्क्स देखते हैं तो आपको देखने नहीं मिलेंगे। इससे पहले आपको बहुत ही जो ब्राइट कलर्स हैं, जो वाइब्रेंट कलर हैं वो देखने को मिलेंगे, लेकिन ये जो टेक्निक अब आती है क्यूबिज्म की, इसमें बहुत ही सोबर और कलर आपको देखने के लिए मिलेंगे। बहुत सारे कलर्स का कोई मिक्सचर करके एक नया ही कलर इन्वेंट किया है। अब हम बात करेंगे सिंथेटिक क्यूबिज्म के बारे में। सिंथेटिक क्यूबिज्म के अंदर ज़्यादातर जो है वो स्टिल लाइफ बनाई गई हैं, जब ये लोग और कोलाज सॉरी स्टिल लाइफ और कोलाज दोनों बनाए गए हैं। जब इन लोगों ने जो स्टिल लाइफ बनाई है, उस स्टिल लाइफ में आप ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते, जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि
आपने कौन सा टेक्सचर पेंट से बनाया है, ब्रश की सहायता से बनाया है, और कौन सा टेक्सचर आपने रियल कहीं से कटिंग करके पेस्ट किया है, तो वो इतना इल्यूजन जो क्रिएट किया है वो बहुत उम्दा है। जो पीरियड है इस सिंथेटिक क्यूबिज्म का, वो 1912 से 1914 के बीच का रहा है। और आप देखेंगे कि जो कोलाज वर्क भी है, तो कोलाज वर्क की शुरुआत यहीं से होती है। जितना भी कोलाज वर्क इसके बाद से शुरू हुआ है, वो कोलाज वर्क जो शुरुआत हुआ वो यहीं से हुआ है। इसी मूवमेंट में पहली बार ये हुआ कि पेंटिंग अब से पहले जो हुआ करती थी वो कलर्स के थ्रू हुआ करती थी, कलर्स के द्वारा हुआ करती थी, मगर पहली बार ऐसा हुआ कि जो कोलाज इन्होंने बनाई या जो स्टिल लाइफ्स इन्होंने बनाई हैं, उसमें कलर के अलावा और भी मटेरियल का यूज़ शुरू हुआ है। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो मिक्स मीडिया आज हम लोग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसकी जो शुरुआत है वो इस टाइम पर, क्यूबिज्म के टाइम पर हो गई थी, मगर उसको नाम एक जो मिक्स मीडिया है अब आके दिया गया है। तो ये लोग सिर्फ उसमें कलर ही नहीं, कागज़, कपड़े के टुकड़े, माचिस के टुकड़े या इस तरह की चीज़ें, वो इल्यूजन क्रिएट करने के लिए वो लोग, या रस्सी, आप कहीं पे देखेंगे रस्सी, चेयर अगर बना रहे हैं तो चेयर के जो पार्ट है, उस चेयर का जो बुना हुआ पार्ट है उसको कटिंग करके उन्होंने पेस्ट कर दिया है। तो ये जो चीज़ है ये उस टाइम पे शुरू हुई है। आप जो 3D इल्यूजन देखते हैं वो भी कहीं ना कहीं यहीं से शुरू हुआ है। एक इल्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की गई है, 3D जो चीज़ें हैं, जो रियल चीज़ें हैं उनको यूज़ करके कोलाज में, और पेंट कहाँ पे यूज़ हो रहा है, कहाँ पे रियल चीज़ यूज़ हो रही है, तो आप उसको कुछ बता नहीं सकते जब आप देखते हैं आर्ट वर्क। तो ये जो शुरुआत है, मैं कहूँगी कि कहीं ना कहीं जो 3D एक डायमेंशन देने की जो शुरुआत थी वो कहीं ना कहीं यहीं से शुरू हुई है जो आज हम देखते हैं। क्योंकि इससे पहले जितना भी पेंटिंग में काम हो रहा था वो 2D था, उसमें पर्सपेक्टिव भी क्रिएट करने की कोशिश की गई है, सारी चीज़ें क्रिएट करने की कोशिश की गई हैं, लाइट एंड शेड भी दिखाया गया है, बट कहीं ना कहीं एक जो 3D का इफ़ेक्ट है वो चीज़ उसमें नहीं आ पाती थी, वो फिर भी 2D वर्क ही लगता था। मगर जब आप क्यूबिज्म की तरफ आते हैं तो क्यूबिज्म में आपको 3D जो इफ़ेक्ट है, एक वो जो मोटाई इन्होंने दिखाने की कोशिश की है, ऊंचाई और लंबाई के साथ साथ जो मोटाई पे वर्क किया है, उस एक जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है उसकी वजह से इस इनके जो आर्ट वर्क हैं उसमें वो चीज़ नज़र आती है। एक जो इल्यूजन है वो क्रिएट ये लोग करने में बहुत सफल रहे हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, मैं ये जो वीडियो है इसको बस यहीं पे ख़त्म करूँगी। इसके जो आर्टिस्ट हैं, चार इम्पोर्टेंट आर्टिस्ट, उनके बारे में हम अगली वीडियो में जानेंगे, उनके काम के बारे में, क्या स्टाइल था उनका, उस सभी चीज़ों के बारे में। सो गाइज, मैं अब आपसे अलविदा लूँगी, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप सेफ, थैंक यू गाइज़।